इनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं दिख रहा है। आज पवनदीप इतने खुश हैं कि उनका दिल और दिमाग कहीं जा ही नहीं रहा है, सिर्फ और सिर्फ अपने और अरुणिता के बारे में सोच रहे हैं। जी हाँ, पवनदीप इस वक्त कहदो की खूबसूरत यादों में खोए हुए हैं और उन्होंने सबसे दिल खोल कर कह दिया है। हम बात पवन अरुणिता के कहदो गाने की कर रहे हैं, जो दो दिन में टॉप पर आ चुका है और आप यकीन नहीं कर सकते कि इस गाने को इस समय कितने व्यूज मिल रहे होंगे। जी हाँ, आप भी कॉमेंट बॉक्स में अंदाजा लगा कर बता सकते हैं। वहीं आपको बता दें, दो दिन में, जी हाँ, सिर्फ दो दिन में ये गाना 1 मिलियन का आंकड़ा क्रॉस कर चुका है। और ये बात हम नहीं बल्कि पवनदीप खुद कह रहे हैं। पवनदीप ने अपने इस गाने के 1 मिलियन व्यूज होने पर इसकी जानकारी इंस्टा स्टोरी पर शेयर की है। पवनदीप बहुत खुश दिख रहे हैं। पवनदीप ने सभी को थैंक यू बोलते हुए अरुणिता को भी थैंक यू बोला है, क्योंकि जब जब जिस जिस गाने में उनके साथ अरुणिता होती है वो गाना जरूर टॉप जाता है। कहीं ना कहीं पवनदीप और अरुणिता को फैंस ही एक साथ देखना पसंद करते हैं। ऐसे में पवनदीप अरुणिता को भी थैंक यू बोल रहे हैं, जो कि उनका हक है। अरुणिता पवनदीप को भी थैंक यू बोल रहे हैं। बाकी सॉन्ग के हर सीन ने खूब एंटरटेनमेंट किया, वो तो शायद बताने की जरूरत भी नहीं है। शो के बिहाइंड दिलचस्प पिक्चर्स भी आने शुरू हो चुके हैं, जिसमें पवन अरुणिता की पर्दे के पीछे की लव स्टोरी दिखेगी, जो कि रियल होगी। तो आप पवन अरुणिता के कहदो के लिए क्या कहना चाहेंगे, कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पवन अरुणिता के लिए आज इतनी गंदी खबर सामने आ रही है, जिसे सुनकर आप शायद यही कहेंगे कि ऐसे लोगों के लिए कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए और ऐसी सजा देनी चाहिए कि हमेशा याद रखा जाए। जी हाँ, 1 फरवरी को पवन अरुणिता का चेन्नई में लाइव शो था। चॉकलेट पाई को परमिशन मिली थी कि वो इनके शो को अपने पेज से लाइव दिखाएं। हो सकता है कि ये शो चॉकलेट पाई ने ही मैनेज किया हो, जिसकी वजह से उन्हें ये परमिशन मिली हो। लेकिन अगर चॉकलेट पाई ने ये शो शूट किया होगा तो शायद शर्म के मारे उनकी आंखें भी झुक गई होंगी कि इतनी गंदगी फैलाने वाले लोग भी हैं। जी हाँ, पवनदीप अरुणिता का चेन्नई में फैंटास्टिक शो हुआ, लेकिन कुछ लोगों की वजह से माहौल खराब हो गया। कुछ लोग जो पवनदीप के फैन बता रहे हैं, लेकिन यकीनन ये पवनदीप के फैन हो ही नहीं सकते, बल्कि फेक आईडी बनाकर खुद को पवनदीप का फैन बता रहे हैं। इन लोगों ने अरुणिता के कपड़ों पर गंदे वाले कमेंट्स किए। जब चॉकलेट्स पाई इस शो को लाइव दिखा रहे थे तो ये सारे गंदे कमेंट्स देखे गए। ऐसे लोगों पर शर्म आती है जो पवनदीप को खुद का फैन बता रहे हैं। ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी की जा सकती है और फिर उन्हें सालों की सजा भी हो सकती है। अगर फैन नहीं है तब भी कोई भी किसी के लिए इतना गंदा कमेंट कैसे कर सकता है। आप खुद चॉकलेट पाई के चैनल पर जाकर इनके शो की लाइव वीडियो में कमेंट्स देख सकते हैं, जिसमें ट्रोलर्स ने हदें पार कर दी हैं। हैरानी की बात यह है कि अरुणिता को ही सिर्फ ट्रोल किया गया। अरुणिता पर उंगलियां उठाने वाले इन ट्रोलर्स ने गालियां सुनने वाला काम किया है। जी हां, ऐसे कमेंट्स देखने के बाद पवन अरुणिता के फैंस ने इनकी सिट्टी गुल कर दी और सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। आप ऐसे ट्रोलर्स के लिए क्या कहना चाहेंगे, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। पवन अरुणिता का कह दो गाना 2 दिन बाद यानी 3 फरवरी को रिलीज हो रहा है। पवन अरुणिता अपने फैंस के लिए बड़ा सरप्राइज लेकर आ रहे हैं। हर नए गाने में पवन अरुणिता की नई केमिस्ट्री देखने को मिलती है और उम्मीद करते हैं कि पवन अरुणिता इस नए गाने में भी नया तोहफा लेकर आ रहे हैं। खैर, अभी 2 दिन है और कल इनका अपकमिंग सॉन्ग कह दो का टीजर भी आ चुका है, जिसमें पवन अरुणिता ने दिल जीत लिया। अब गाना भी आने वाला है, लेकिन गाना रिलीज होने से पहले हम आपको पवन अरुणिता के कुछ दिलचस्प पिक्चर श्रीनगर के दिखाते हैं, जिसमें पवन अरुणिता की अटैचमेंट तो देखिए। ब्लू सूट पहने अरुणिता बड़ा की खूबसूरत लग रही हैं। ऐसे ट्रेडिशनल ड्रेस में अरुणिता वाकई बहुत ही प्यारी लगती हैं। लोग उन्हें बार बार देख रहे हैं। श्रीनगर में पवन अरुणिता दोनों एक दूसरे के बिल्कुल करीब होकर फोटो शूट करवाते दिखाई दिए। इनके अलावा पवन अरुणिता के ढेर सारे शोज की पूरी लिस्ट भी सामने आ चुकी है। जी हां, आज यानी 1 फरवरी को भुवनेश्वर में पवन अरुणिता शो के लिए निकलने वाले हैं। 4 फरवरी को पवन अरुणिता का गुवाहाटी में फिर से शो है। 5 फरवरी को पुरी में पवन अरुणिता शो के लिए जा रहे हैं और 9 फरवरी को वेस्ट बंगाल में शो है। 11 फरवरी को गुजरात में, 13 फरवरी को वेस्ट बंगाल में फिर से जाना होगा और 20 को अंबाला में शो करने जा रहे हैं। 22 को अहमदाबाद में भी धमाकेदार शो होने वाला है। तो कुल मिलाकर इस पूरे वैलेंटाइंस डे वाले महीने में पवन अरुणिता एक दूसरे के साथ रहने वाले हैं, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे और इस बार का वैलेंटाइंस पवन अरुणिता का बहुत खास होने वाला है। इस पूरे मामले में आप अपनी क्या राय देना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
पवन अरुणिता का कल उड़ीसा वाला शो सुपर डुपर हिट गया। इस शो में ऑडियंस का प्यार, सपोर्ट और जज्बा देखने लायक था। जिस तरह से ढेर सारी ऑडियंस ने पवन दीप को चारों तरफ से घेर रखा था, उनके लिए अपने अपने फोन की टॉर्च ऑन करके उनका सम्मान किया, वो वाकई तारीफ के लायक है। और पवन दीप ऑडियंस का इतना प्यार देखकर बहुत खुश हुए। उनके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही थी कि वो इन्हीं सबसे कितना खुश होते हैं। उड़ीसा में भद्रक शो था। इस भद्रयानी 2023 शो निपटाने के बाद पवन अरुणिता असम के गुवाहाटी में शो करने के लिए निकल गए, जिसके लिए पवन अरुणिता ने पहले ही पैकिंग वैकिंग कर रखी थी, क्योंकि इनके लगातार शो होने वाले हैं और पूरी फरवरी ये बहुत बिजी रहने वाले हैं। ऐसे में इनकी पैकिंग पहले से ही तैयार है और गुवाहाटी पहुंचते इनके ढेर सारे फोटोज भी आ रहे हैं। इन फोटोज को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि पवन अरुणिता शोज को कितना एंजॉय कर रहे हैं। प्लेन की फोटो भी शेयर की गई है। प्लेन में पवन अरुणिता एक दूसरे के बहुत क्लोज होकर बैठे दिखाई दिए। गुवाहाटी पहुंचते ही पवन अरुणिता की मौज मस्ती शुरू हो जाती है। ये अपने एंटरटेनमेंट के साथ सारे शोज कर लेते हैं और इन्हें पता ही नहीं चलता है। एक तरह से इनके लिए एक दूसरे का साथ ही बहुत काफी है और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत मस्त रहते हैं, बिजी रहते हैं। पवन अरुणिता का गुवाहाटी में जोरदार स्वागत किया गया। इनके मंच तक आने तक ऑडियंस इनका नाम चीखती रही, चिल्लाती रही। उसके बाद हर कोई इनके गाने पर नाचता दिखाई दिया। पवनदीप राजन अरुणिता कांचीलाल के फैंस के लिए अब जो खबर सामने आई है उसे सुनकर आप सभी के होश उड़ जाएंगे, क्योंकि इस बार पवनदीप की हालत इतनी ज्यादा गड़बड़ाई हुई है कि वो एक निवाला तक नहीं खा पा रहे और ना ही वो सो पा रहे। रात रात भर जागते रहते। तो चलिए बता दे कि आखिरकार किसने पवनदीप की नींदें उड़ा दी है और खाना पीना भी छीन लिया। तो सबसे पहले हम पवन अरुणिता के फैंस को एक मैसेज देना चाहेंगे कि घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि खुश होने की बात है कि ये नींद और खाना पीना पवन अरुणिता के फैंस ने छीना है, पवन अरुणिता की खुशियों ने छीना है। पवन अरुणिता किसी दुख में नहीं है, बल्कि वो ढेर सारे शोज में इतने बिजी हैं कि उन्हें खाने पीने का टाइम भी नहीं मिल रहा है और वो इस बिजी लाइफ में बहुत खुश है। इनके पास ढेर सारे शोज आ रहे हैं और इनके जरा भी फुर्सत नहीं मिल रही है कि ये ढंग से खाना पीना खा लें। पवन अरुणिता की ऐसी हालत देखकर उनके माता पिता भी सदमे में और इनके लिए चिंता कर रहे हैं और इन्हें बार बार मैसेज करके सलाह दे रहे हैं कि खाना पीना अगर ठीक से नहीं खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे। अरुणिता की माँ तो बहुत घबराई हुई है। वो बार बार अरुणिता को टोक रही है कि अपना ध्यान रखो। तो आपको बता दें पूरी फरवरी पवन अरुणिता के पास ढेर सारे शोज हैं और अब तक एक दो शोज और भी शामिल हो चुके हैं। कुल मिलाकर पवन अरुणिता बहुत बिजी है, मतलब पवन अरुणिता के पास सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। उड़ीसा, भुवनेश्वर, अंगुल में लगातार शो है और भी कई शहरों में पवन अरुणिता को जाना पड़ा है। तो पवन अरुणिता की इस बिजी लाइफ के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? और ये खुशी की बात है कि पवन अरुणिता को फैंस की तरफ से इतना ढेर सारा प्यार मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है और वो अपनी कामयाबी की राह पर चल दिए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि पवन तो खुद को ढाल लेते हैं किसी भी सिचुएशन में, लेकिन अरुणिता के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, वो बीमार भी पड़ सकती है। अब पवन अरुणिता को कैसे संभालेंगे वो देखना बहुत दिलचस्प होगा। शोज के दिलचस्प वीडियो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप पवन अरुणिता के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं।